फोन कर रहा था या फोन उठाने नहीं होता है गलत फिर तुम ये मत बोलना कि अरसलान तुम एक एक दो दो महीना बोल रहा ना कि मेरा फोन क्यों नहीं उठाया तुमने। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग चैनल। मैं हूँ अरसलान। लाइफ होगी चंगी जब देखोगे अतरंगी। तो गाइस, मैं आके डायरेक्टली सो गया था और मैंने एक प्रैंक किया हूँ आरती के ऊपर, तो जल्दी से जाइए और आरती पे जो प्रैंक हुआ है वो देखिए, इंशाल्लाह आपको अच्छा लगेगा। और ऐसे ही मुझे कमेंट करके बताइए कि आरती पे क्या प्रैंक करूँ और बाकी सब पे क्या प्रैंक करूँ और आप लोग क्या देखना चाहते हो, तो जल्दी से जाइए। वो क्लिप मैंने ऐड कर दिया ये क्लिप के बाद, आई होप आपको अच्छी लगे। तो गाइस, मैं उठकर डायरेक्टली आ गया हूँ सुफियान भाई और निता के घर पे, जो कि यहाँ पर है। वालेकुम अस्सलाम। तो भाई, तुम्हारे घर पे आने से पहले ही आरती को फोन किया था, आरती ने मेरा फोन नहीं उठाई है। कुछ ना कुछ काम में बिजी, तो मैं सोच रहा था कि आज उस पर छोटा सा एक प्रैंक रिवेंज कर, बड़ा प्रैंक करो। मतलब फिर मैं ऐसा बोलूंगा कि मतलब तू फिर बोलती है दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा तो तू क्यों हाथ। तो गाइस, अभी आरती आने वाली है, सुफियान भाई आ रही है, आ रही बोली मैंने, आ रही है, निकल रही है। मुझे अभी तक लगा कॉल या मैसेज कुछ भी नहीं आया आरती का, और उसको मालूम, मैं बोल दिया था उसको, मैसेज कर दिया था कि मैं निदा के घर पर जा रहा हूँ ताकि मैं अपने साइड से एकदम क्लियर रहूँ। तो अभी यहाँ पर आ रही है, वो जैसे ही आएगी वैसे ही स्टार्ट कर देंगे। तो देखते है गाइस अभी कैसा पोर्ट्रे और एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। 2000 years later। हेलो गाइस, फोन कर रहा था, फोन उठाने नहीं होता है। अरे मैं बोली तो तुमको साइलेंट पे था, तुमको कॉल तो करी थी मैंने। 5 मिनट बाद डायरेक्टली तुम सुफियान भाई को बोलोगे। क्या बोलोगे? कि मैं आ रही हूँ ये वो। हाँ। मैं सुफियान भाई के सामने ही तुमको फोन लाया था, सुफियान तो भाई ने ही बोले। कॉल बैक करी वापस, तुम्हारा फोन बिजी आ रहा था, तुमको स्क्रीनशॉट तो भेजी। कैसा बिजी आ रहा है? कॉल रखने के बाद मैंने डायरेक्टली स्नैपचैट पे तुमको मैसेज करा था कि आरती तुम हो किधर, मैं काम करो। जबरदस्ती तुम मेरे भाई का फोन नहीं उठाते हो, गलत फिर तुम ये मत बोलना कि अरसलान तुम एक एक दो दो महीना नहीं मिलते हो, मैसेज नहीं करते हो, ये नहीं करते हो, वो नहीं करते हो। जब आप दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हो तो फिर तुम क्यों पीछे? मैं बिजी आता है तो पॉपअप होता है ना, मैसेज करता है इंसान, कॉल नहीं। पॉपअप भी होता है, पॉपअप भी नहीं हुआ, ये भी पॉपअप भी नहीं हुआ, और ना इसे उनको ब्लॉक किया है। मेरे फोन की क्या गलती? अब मैं निदा को फोन कर रहा हूँ, सुफियान मेरा फोन आया तो सुफियान मेरे का लिखकर आएगा ना, तो ठीक है ना, इस बड़ी बात। ये टाइम पे अगर मैं रहता तो सुफियान भाई इसने मेरा फोन नहीं उठाया, दिखा रहा है। मैं बात नहीं करूंगी इससे, ये नहीं करूंगी, वो नहीं करूंगी। ऐसा अभी ऐसा नहीं, ऐसा ही बोल रहे हम लोग। एक फोन क्या नहीं उठा ली मैंने, जितना मैं जन्मों जन्मों से फोन नहीं उठाया, तब मैंने कुछ बोली की बात अलग है। मत लेकर सामने से फोन भी करना, सामने से फोन कर रहा हूँ। अब मैं बोला तुमको इतना डोंट करी ना मेरे को मिलने से पहले कि तुम एक महीना हो गया मैसेज नहीं करे, फोन नहीं करे, ये नहीं करे, ड्यूटी की बात नहीं कर रहा हूँ। रिस्पेक्ट और इज्जत इज्जत, मैं अपनी पूरी गलती मानता हूँ कि मैंने इसको मैसेज या फोन नहीं किया, मैनेज नहीं कर पाया मैंने टाइम रमजान में, मैंने हमें एक भी बार नहीं मिला इससे। मैं कुछ बोल, लेकिन उसके बाद आरती को मैंने सामने से मैं मैसेज कर रहा हूँ, सामने से मैं उसको बोल रहा हूँ, देखो मेरे से गलती हो गई है, माफ कर दो, ये वो ऐसा वैसा, मेरे से माफ बोलने के बाद, इतना बोलने के बाद ड्यूटी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, कर रहे ड्यूटी नहीं है कि बोलते ना जान बुझ के वो चीज करनी चाहिए, वो दिल से करनी होती है। दिल से ही बोल रहा हूँ तुमको, मैं भी तुमको दिल से, तुमको ऐसा लगा कि मैं सुना रहा हूँ भाई। ये सब चीजों के बाद ना, ये सब चीजों के बाद माफी तलाफी नहीं का फैसला। अरे एक कॉल नहीं उठा उसके ऊपर, इतना बड़ा बवाल क्यों मच रहा है भाई? मच रहा है भाई, मतलब मचला नहीं, तुम ही बोल रहे। अभी मैं नहीं उठा था तो कैसा तुम ब्लेम करते हैं? अरे क्या झूठ बोलते हो, हंस रही है भाई, हंस रही है ना, और पहले बात
तुम स्नैप डाल सकते हो, वो सब तो छोड़ो, तुम स्नैप डाल सकते हो, स्टोरी डाल सकती है, लेकिन मेरे को एक मैसेज भी नहीं कर सकती है। तो तुम्हारे पांच मिनट के बाद डांस करते हुए स्टोरी डाली हुआ है। साथी नहीं यहाँ, साथिया का कोई पिक्चर का गाना, उनका गाना था उसको याद ही नहीं, बोलो स्नैप भेजी है लेकिन रिप्लाई नहीं कर रही। अरे डांस किस पे कर रहे थे? साथिया माइया कुछ भी कुछ गाना था ही नहीं। अरे छोड़ो ना क्या? छोड़ो, अरे वो बात नहीं है, मैं तुमको बता रहा हूँ, अगर मेरी जगह पर तुम रहते तो तुम कैसा वो कैसा रिएक्ट करती थी? फिर ये तो बवाला मचा देती थी एकदम। अरे ये सब क्या कर रहे हो? नॉर्मल ब्लॉग ब्लॉग पर डाल देती के बाद फोन नहीं उठाया और हम तो यहाँ पे प्यार कर रहे हैं, चिल्ला रहा हूँ। अरे मेरी टोन लगती अरे यार अभी इतनी सी बात पे इतना ओवर रिएक्ट, इतनी सी बात मेरे लिए है, लेकिन फिर उसके बाद तुम ये मत बोलना कि अरसलान तुमने फोन करे थे। अभी गुस्सा भी आया, हम कुछ अपने दिल की बात बोले तो तुमको गुस्सा आ जाता है। इंसान बोल भी नहीं सकता है भाई, चिल्ला सही बात, इंसान बोल भी नहीं सकता है, बोलो तो हम चिल्लाए, बोलो तो हम बुरे भाई, नहीं बोलने का एक्सपीरियंस है लोगों को। मैं नहीं बोलता हूँ भाई, ऐसा सही बात नहीं, सही कर रहे हो भाई। फिर बोलो तो बुरे, मेरे को टोन का फोन है मेरे भाई का, तुम बात कर लो, बात कर लो। इतनी बड़ी बात की बात दिल से नहीं कर रही थी, अभी सॉरी बोली है भाई, ड्यूटी नहीं है, सही बोले सही बोले भाई, तुम बात भी करो, मैं तो सीधा मुंह फेर दूं, सॉरी बोलिए, बात करो, बात करो, दीवार से बात करो, बट इससे मत करो भाई, तू जवाब दो अरसू यार, हम लोग करे तो फिर उसके बाद तुम करे मजा, हम करे सजा। सॉरी बोल रही हूँ ना, देखो अंकल क्या बोल, अस्सलाम अंकल, मेरा फोन नहीं उठाया और मैं बोल रहा हूँ ना कि मेरा फोन क्यों नहीं उठाया, तो मैं अरे बाप फोन नहीं होता है, फोन नहीं होता है, फोन था मैं उठा नहीं पाई। चलो यार खोटा कर रहे हो, मत कर आई अंकल, हकीकत में हाथ हट गया ना मेरा मुंह, अंदर यहाँ पे वॉलपेपर बन जाएगा, मत करो ऐसा। आरती का है निदाई घर पे, आरती सेटल सेटल, अभी हंसे ना सेटल सेटल बैटल कुछ नहीं भाई, ऐसा कुछ मैं बताऊंगा, क्या मैं प्रैंक कर रहा था, कितना उसी कितना सुना है अरसलान को, मैं बता दिया मैं प्रैंक कर रहा था, झूठ बोल रही उसका सर फोड़ दे, खून निकला तो सच्ची, मैं झूठी साबित होना चाहती हूँ। सो गाइस ऐसे ही मैं आरती के साथ थोड़ी मस्ती कर रहा था, लेकिन आरती ने सच में मेरा कॉल नहीं उठाई थी, तो उसपे मत बोलो। हाँ देखे कैसे गाइस, मैंने कैमरा उधर करा था, तो कैसा आजकल कैमरा चालू करना ही पड़ेगा, और यहाँ पर सुफियान भाई और निदा जोहान को छुपाते हुए, और यहाँ पर अंकल ने जो आकर ही आरती को रख दिए ना, तो उसमें थोड़ा और जान पे जान है, और मुझे हंसी आई, मैं कंट्रोल नहीं कर पाया, इसके लिए मैंने फटफट एंड कर दिया। तो गाइस आप लोग बताओ मुझे कि आपको ये वीडियो कैसी अच्छी लगी रही, कैसी अच्छी लगी रही, बोलो कैसी लगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी रहेगी तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन गाइस, लव यू, अल्लाह हाफिज़, मेरा बच्चा तो